नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सागर जिला के रेहली में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अखिलेश पुजारी ने रेलवे ट्रेनों के निजीकरण के विरोध में 101 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम लिखे गए, जिसमें मोदी जी द्वारा आज ट्रेनों का निजीकरण कराया जा रहा है, जिसका असर आज देश की गरीब आवाम पर पड़ रहा है। आज इसके विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकेश पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपने खून से 101 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को लिखे, जिसमें कहा गया कि रेलवे का निजीकरण खत्म किया जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में अनिल केश सिंधिया, सलमान खान, आमिर खान, दीपेश सेन, पिंटू गुप्ता, अमीन खान, पप्पू जारोरिया, रजनीश तिवारी, अंशुल नायक, आकाश वाल्मीकि, सोहिल खान, गुड्डू खान, हर्ष दुबे, प्रद्युमन नेमा, राजा खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए खास खबर एमपी न्यूज कास्ट चैनल पर, संवाददाता रोहित अहिरवार की खास रिपोर्ट। आज सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना स्वयं का ब्लड निकलवाकर खून से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह जो रेलवे का प्राइवेटीकरण हो रहा है उसके खिलाफ में आज 101 पोस्ट कार्ड रेहली से माननीय मोदी जी के लिए लिखे जा रहे हैं। क्रमशः एक एक कार्यकर्ता अपना खून निकलवाकर यह पोस्ट कार्ड लिखने का कार्यक्रम अभी आरंभ करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग अपना ब्लड निकलवाकर कुछ ही देर बाद खून से यह 101 पोस्ट कार्ड रेहली युवक कांग्रेस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखने जा रहे हैं कि जिस तरीके से यह रेलवे का प्राइवेटीकरण हुआ है और गरीबों के हाल बेहाल होने वाले हैं। आज छोटे से रास्ते को तय करने पर हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा। आज 25 रेलों का प्राइवेटीकरण होने जा रहा है, उसके विरुद्ध में हम सभी युवा कांग्रेस के लोग अपने खून से यह पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री जी को पोस्ट करने जा रहे हैं। निजीकरण केंद्र की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निरंतर किया जा रहा है, तो हम सभी साथियों ने आज अपना ब्लड निकालकर खून निकालकर, क्योंकि जो गरीबों की खून पसीनी की कमाई है, जो गरीबों की मेहनत की कमाई है, उसे मोदी जी निजी व्यवसायियों के हाथ में देकर उनको लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। आज प्लेटफॉर्मों का प्राइवेटीकरण हो गया है, निजीकरण हो गया है, आज ट्रेनों का निजीकरण होने जा रहा है। मैं हम सभी युवक कांग्रेस के लोग केंद्र सरकार की इस प्रस्ताव की घोर निंदा करते हैं और हम सभी मांग करते हैं। आज हम सभी ने खून से ये लेटर लिखा है मोदी जी को, हम सभी ने 101 पोस्ट कार्ड लिखे हुए हैं और उसमें हमने मांग की है कि मोदी जी, यह जो आपने लिया हुआ है निर्णय आपका निजीकरण का, इसको वापस लो, इसके निजीकरण को वापस लो और गरीब जो सस्ते में ट्रेन में सफर कर पाते थे उन्हें उसी रेट पे और कम दामों में सफर करें। रेलवे में कई सारे उपाय हैं धंधे बढ़ाने के, कैंटीन ठेके पे देने के, तो रोजगार की तो कहीं बात नहीं हो रही, करोड़ों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और बची खुची रह जाती है बात, तो यह ट्रेनों का निजीकरण और हो गया है। आज रैली से पूरे देश में युवक कांग्रेस इसका विरोध करेगी और एक सभी के मार्गदर्शक तथा तुल्य आदरणीय अनूप जदरिया जी मौजूद है, जो आज यह जो
रेलवे का प्राइवेटीकरण हो रहा है उसके विरोध में हम सभी खून निकलवा रहे हैं और पोस्ट कार्ड लिखने जा रहे हैं। आदरणीय चाचा दो अपनी बात रखें। रेलवे के लिए जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है यह सर्वदा अनुचित है और भारत के देश के लिए कलंक है कि भारत की सरकार जो रेलवे चला रही थी वो स्वयं नहीं चला पा रही है और इसका विरोध युवा कांग्रेस रैली की कांग्रेस कर रही है। हालांकि किसी भी चीज का विरोध करना चाहिए, उसको हम कागज और कलम से भी लिख सकते हैं। ये खून से लिखने की नौबत क्यों आई? हमारे युवकों में बहुत जोश है और वो अपना खून देने के लिए तैयार है कि हम खून दे देंगे, परंतु रेलवे का प्राइवेटीकरण नहीं होने देंगे। किसी भी बात को जब हमें गुस्सा आ जाता है, तेज आ जाता है, जब लोग अपना खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम युवकों से मांग करते हैं कि भले ही वह खून दे रहे हैं, खून देने में की आवश्यकता नहीं है, अपन कलम से लिखेंगे और इनको ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इनको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। इसका हम सर्वदा विरोध करते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपना ब्लड निकलवा कर हम इसके बाद पोस्ट कार्ड लिखने का कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। रेलवे में रोजगार ढूंढे जा सकते थे, चाहती